Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and I'm your math teacher, Ms. Varisha. Now we start our today's topic. Now please open the page number 93. So students, अपने previous video में हमने question number 1, fill the blanks, 2, true, false और 3 MCQs का करा था. अब हम question number 4 करेंगे. इसके हम 4 part करेंगे और question number 5 के 4 part करेंगे. Okay, start करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाएंगे, एक्सरसाइज 2E लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 फिल द ब्लैंक्स का था, उसका पेज नंबर क्या है, 92, वो लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स, पेज नंबर 92. क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यूस और पेज नंबर 93. इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग. ए पार्ट क्या है, डिवाइड करना है आपने 6 और 42 को. पहले हमने सॉल्व लिखा और अपने क्वेश्चन को कॉपी करा. अंदर बड़ी वैल्यू होती है और छोटी वैल्यू हमेशा बाहर होती है. अब हमने ये करना है, 6 के टेबल में 42 कब आता है, टेबल्स पढ़ेंगे सब. 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि 42 आ जाए. 6 7 42. क्या करेंगे, 7 ऊपर लिखा और 42 नीचे लिख दिया. और जब ये सॉल्व हो जाता है तो हम ऐसे क्रॉस के साइन लगा देते हैं, दिस इज आवर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, बी पार्ट देखिए आप. सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व लिखते हैं और फिर अपना क्वेश्चन कॉपी करेंगे. 16 अंदर और 8 बाहर. 8 का टेबल इतना पढ़ना है कि 16 आ जाए. 8 के टेबल में 16 कब आता है, 2 पे. 8 टू सा 16, 2 हमने यहाँ लिखा और 16 यहाँ पे लिख दिया और ये हमारा आंसर है. जो हमारा क्वेश्चन यानी कि जो हमारा आंसर होता है उसको हम बॉक्स में करके लिख देंगे. सी पार्ट देखिए अब, 5 और 25. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व लिखेंगे, क्वेश्चन को एक दफ़ा कॉपी करेंगे. 25 और 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 5 सा 25. 5 ऊपर लिखा, 25 के नीचे लिख दिया. सो हमारा आंसर क्या है, 5. इसको हम बॉक्स में लिख के इसके आगे आंसर लिख देंगे. डी पार्ट देखिए अब, सॉल्व लिखा, क्वेश्चन कॉपी करा. 36 और 4. 4 के टेबल में 36 कब आता है, 4 9 सा 36. 9 को हम बॉक्स में लिख के इसको आंसर कर देंगे. ओके, एक दफ़ा तमाम पार्ट्स देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 के हमने शुरू के 4 पार्ट करे हैं, ये काम कॉपी में करना है. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स करते हैं जो कि कॉपी में ही होंगे. क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट करते हैं जिसको हमने ई का नाम दे दिया है. ओके, इसी के आगे करेंगे, बस क्वेश्चन नंबर 5 यूँ लिख देंगे और ई पार्ट करना स्टार्ट कर देंगे. क्या है, सबसे पहले तो सॉल्व लिखिए. ये थोड़े से चेंज है, क्वेश्चन कॉपी करा, 28 और 5. अब मुझे बताइए, 5 के टेबल में 28 आता है, नहीं आता. 5 के टेबल में 28 आता ही नहीं है. सो अब हम क्या करेंगे, 28 से छोटी क्या वैल्यू आती है, 25. और 25 कब आता है, 5 5 सा 25. 5 हमने यहाँ लिखा और 25 28 के नीचे लिख दिया. अब इनको माइनस करना है, 28 में से जब 25 माइनस होंगे तो कितने वैल्यू रह जाएगी, 3. ओके, और 3 आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 5 के टेबल में 3 भी नहीं आता. अब क्या करेंगे, आंसर को किस तरह से शो करेंगे. आंसर तो हमारा 5 आ गया है, 5 हमने यहाँ लिखा और इसके आगे लिखेंगे रिमाइंडर. इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर. क्या आया है, 3. इस तरह से आंसर को शो करेंगे. क्या करा है हमने इन क्वेश्चन में, जब हमारे पास रिमाइंडर रह जाता है तो हम आंसर को ऐसे शो करते हैं. अपने क्वेश्चन यानी कि अपना जो ऊपर वाला आंसर होता है उसको लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, और जो 3 होता है या कोई भी आपके पास वैल्यू आई हो वो लिख देते हैं. सो हमारा एफ पार्ट क्या है, 4 को हमने 19 से डिवाइड करना है. सॉल्व लिखेंगे, सबसे पहले
क्वेश्चन कॉपी करा 19 और 4। अब मुझे बताइए 4 के टेबल में 19 आता है? नहीं आता। 19 से छोटा और क्या आता है? 16। और कब आता है? 4 4 सा 16। 6 यहाँ लिख के इनको माइनस करना है। 9 में से 6 माइनस हुए तो 3, और 1 में से 1 0, 0 को हम शो नहीं करेंगे। सो हमारा रिमाइंडर क्या आया है? 3 और आंसर 4। कैसे आंसर को लिखेंगे? 4 रिमाइंडर 3, और इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? सॉल्व लिखा पहले, क्वेश्चन कॉपी करा 22 और 3। 3 के टेबल में 22 आता है? नहीं आता, लेकिन इससे छोटी वैल्यू क्या आती है? 21। कब आती है? 3 7 सा 21। 7 यहाँ लिखा, 21 यहाँ लिखा। 22 माइनस 21 1। अब आंसर कैसे शो करना है? पहले 7 लिखा, रिमाइंडर, रिमाइंडर का सिर्फ R E M लिख देंगे, ठीक है? पहले सवाल हमने इसलिए पूरी स्पेलिंग लिखी ताकि आपको वर्ड पढ़ना आ जाए। R E M मतलब रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या है? 1। बॉक्स में लिख देंगे इसको, ये हमारा आंसर है। लास्ट क्या है? 4 को डिवाइड करना है 27 के साथ। सॉल्व लिखा, क्वेश्चन कॉपी करा, 27 और 4। 4 के टेबल में 27 आता है? नहीं आता, लेकिन इससे छोटा क्या आता है? 24 आता है, और 24 4 6 सा 24। 6 यहाँ लिखा और 4 यहाँ लिखा। 7 में से 4 माइनस करे तो 3, और 2 में से 2 0, 0 को हम शो नहीं करेंगे। सो अब इसका आंसर कैसे शो करेंगे? 6 रिमाइंडर का R E M लिखा, और जो रिमाइंडर आया है वो लिख दिया। बॉक्स में इसको बंद करके ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 4 पार्ट करे हैं, पूरे देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, एक दफा पूरा वर्क देख लीजिए। सबसे पहले बॉक्स बनाना है, क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट करने हैं, कॉपी में काम करना है, और बहुत ज्यादा सफाई से काम करना है, ठीक है? ये 4 पार्ट कर लिया आप लोगों ने एक पेज पे, फिर अगले पेज पर आ जाएंगे और फिर ये वाले 4 पार्ट करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह वी विल मीट अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।